ये आपका शाहजहानाबाद का जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, चुनाव का नतीजा आने से पहले मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो है उस समय इसके लिए पहली मीटिंग की थी, कई मीटिंगें की, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू भी करा दिया था। और लगभग आधा चांदनी चौक का एक हिस्सा जो है आपने देखा कि उसके ऊपर काम भी हो गया था, लेकिन फिर अब दोबारा दुर्भाग्य से दिल्ली सरकार के जो गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उस काम को रोकना पड़ा। दो बार मैंने अरविंद केजरीवाल से खुद बात की, राष्ट्रपति भवन में एक बार मिले, एक बार दूसरे स्थान पर। हमने यहाँ पर छः जो है जो एक प्रकार की ट्राम्स है जिसमें कि लगभग 1800 लोग दिन भर में जो है ट्रैवल कर सकते थे, उसका बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाया था, सारी उसकी तैयारियाँ हो गई थी। लेकिन उसके अंदर जो है उसमें भी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक भी पैसा, एक रुपया भी देने के लिए जो है उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी, दिस दैट, ये करके। तो अभी इस टाइप के जो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए तो हमें लगता है कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सबको उस समय का इंतज़ार करना पड़ेगा जब केंद्र में भी और दिल्ली में भी दोनों स्थानों पर हमारी पार्टी की सरकार होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन ऐसी स्थिति जब भी आएगी तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसको प्रायोरिटी के ऊपर लेंगे। मीटिंग्स करने के बाद ये सारा आपका प्रोजेक्ट रिवाइव करके इसको शुरू कराया। आपने देखा कि ये सारा का सारा जो है आधा चांदनी चौक जो है ये पूरा का पूरा डेवलप हो गया था। यहाँ पूरे के पूरे एक बड़े उसमें आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग से और पूरा नया बाज़ार और ये घुमा के और इससे उसमें एक 6 ट्राम्स का बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप किया था जिसमें करीब 1800 लोग दिन भर में एक प्रकार से लगा के ये सारा जो ट्रैफिक और ये जो रिक्शा और ये सारा सिस्टम्स इसको एलिमिनेट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उस प्रोजेक्ट के एक स्टेज पर पहुंचने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने वॉट एवर रीजन्स में भी उन्होंने उस प्रोजेक्ट के अंदर अपना नंबर एक सपोर्ट विड्रॉ, मेरे दो बार पर्सनली अरविंद केजरीवाल से बात किया कि वाई आर यू नॉट सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट। कहा साहब बेकार की बात है, इतने 100 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट भी शेयर कर रही है, सब कर रहा है, ये हिस्टोरिक प्रोजेक्ट होगा आपके लिए। दो बार तो उससे राष्ट्रपति भवन में हमारी बात हुई, बट दे विड्रू। उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई आदमी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो बैकआउट कर गए। और बैकआउट करने के बाद आपने देखा कि उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है ठप हो गया। एक साइड हमने चांदनी चौक की बना दी, दूसरी साइड में भी कुछ, हमने कहा कोई बात नहीं। इसी तरीके से हालांकि उसके बाद भी हम कोशिश करते रहे, मेरे ख्याल से भार्गव साहब को अच्छी तरीके से पता है, शायद आप कुछ ऐसी मीटिंग्स में भी आए होंगे जो 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 यू आर पार्ट ऑफ दैट कमेटी, यू हैव पार्टिसिपेटेड विद मी इन द एलजी ऑफिस नंबर ऑफ टाइम्स। इसी तरीके से हमने ये जो आपकी तारों के बारे में बात हुआ, 1.5 साल पहले दो साल बहुत एग्रेसिवली परस्यू करके पीयूष गोयल मंत्री थे, हमने पावर मिनिस्ट्री में कई मीटिंग्स कराई, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया वहाँ पे, क्योंकि ये हम चाहते थे ये तारों को किसी तरीके से अंदर किया जाए। हालांकि जो सर्वे वगैरह करने वाले थे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बताते थे, पतली पतली गलियां हैं, इनमें जो खुदाई करना, इनको अंदर डालना, वहाँ सीवर की लाइन भी है, पानी की लाइन भी है, ये भी है, वो भी है, मुश्किल होगी। उस प्रोजेक्ट के अंदर भी एक स्टेज के आने के बाद आई डोंट नो वाई जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उसने उन मीटिंग्स के अंदर आना ही बंद कर दिया। हमने उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने कहा, डिपार्टमेंट को हमने कहा, भाई आप अगर इसको कॉरपोरेशन के थ्रू या किसी भी माध्यम से इम्प्लीमेंट या डायरेक्टली इम्प्लीमेंट, देर वॉज नो मैकेनिज्म फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट डायरेक्टली। हम उस प्रोजेक्ट को अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं ले जा पाए। हमने सोचा अब इसमें ज़्यादा मगजकप्पी करने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू वेट टिल वी हैव अवर ओन गवर्नमेंट इन दिल्ली। मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एक एक चीज़ के बारे में जो है ऑनेस्टली शेयर करता हूँ। अब यहाँ बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये यहाँ पर
सीवर की लाइन डालनी है या दूसरी चीज़ें जितने भी ये सीवर से जुड़े हुए और जो पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, बहुत समय तक तो ये यही वाला काम करने के लिए ये लड़ाई लड़ते रहे, ये दिल्ली गवर्नमेंट वाले, ये जो शाहजहानाबाद का, इसको कौन करेगा, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और ये जो सीवर वाला विषय है, ये सीवर से जुड़ा हुआ और पानी से जुड़ा हुआ विषय, ये टोटली दिल्ली गवर्नमेंट का, यानी जिसे कहते हैं ना एक्सक्लूसिव 100% कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट का इस विषय पे, दिल्ली जल बोर्ड एंड देन अगेन दिल्ली जल बोर्ड चेयरमैन इज अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल किस स्टाइल की पॉलिटिक्स करते हैं या वो काम किस लिए करते हैं, पॉलिटिक्स के लिए करते हैं या जो है काम के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, ये अब तक मेरे ख्याल से बहुत लोगों को बहुत इसका एहसास हो गया है, है? और वो कैसी पॉलिटिक्स करते हैं कि अभी वो दिन रात उनको हर दुनिया के आदमी से माफ़ी मांगते घूमना पड़ रहा है, ये भी हम सब लोगों ने देख लिया है। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने जो भी विषय आज तक रिकॉर्ड में हमारे पास सीवर के लिए, पानी के लिए, हम हर विषय पे दिल्ली जल बोर्ड को चिट्ठी लिखते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के CEO से फॉलोअप करते हैं। मैं पर्सनल चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को भी लिखता हूँ टू ब्रिंग दैट ऑन रिकॉर्ड कि कुछ ना कुछ उसमें कुछ चीज़ें हो भी जाती है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। अब सीवर की लाइन डालनी है, नई लाइन डालनी है, इट इन्वॉल्व्स मनी, मनी जिसमें जहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट आता है वो तुरंत बैकआउट कर जाते हैं, यानी वो कुछ करते नहीं हैं। तो ये भी एक हमारी थोड़ी सी एक प्रकार की लिमिटेशन रही है।